हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खान नगरी बाड़मेर नगर परिषद के उदासीन रवैये की वजह बाड़मेर शहर के सार्वजनिक शमशान घाट की सफाई व्यवस्था अब चरमराने लगी है। बाड़मेर शहर में करीब 5 बीघा क्षेत्र में फैले शमशान घाट परिसर की सफाई व्यवस्था में नगर परिषद द्वारा 2 कार्मिक ही तैनात किए हैं और 2 अन्य कार्मिक यहाँ चौकीदारी में तैनात है। कम सफाई कर्मी के चलते सार्वजनिक शमशान घाट की सफाई व्यवस्था अब पूरी तरह से चरमराने लगी है। शमशान परिसर में जगह जगह कचरे सर भरे पात्र और कचरे के ढेरों ने जहां शमशान विकास समिति की मुश्किलें बढ़ा दी है, वहीं चौकीदारों की कमी से भी सार्वजनिक शमशान असामाजिक तत्वों का डेरा बना नजर आ रहा है। सार्वजनिक शमशान विकास समिति के संयोजक भैरू सिंह फुलवरिया ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक शमशान घाट में कुल 12 कर्मचारी लगाए गए थे, अब इनकी संख्या घटकर 4 हो गई है। सफाई कर्मियों की कमी से शमशान परिसर की सफाई व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वहीं चौकीदारों की कमी से शमशान परिसर में असामाजिक तत्वों और नशेड़ी लोगों का बोलबाला भी बढ़ गया है। कर्मचारियों के अभाव में सार्वजनिक शमशान घाट की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर नगर परिषद आयुक्त दलीप कुमार पुनिया का कहना है कि सार्वजनिक शमशान घाट में नगर परिषद द्वारा 4 कार्मिक तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद यदि शमशान परिसर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी है तो वहां टीम भेजकर साफ सफाई करवाई जाएगी। आयुक्त पुनिया के अनुसार कर्मचारियों की कमी की कोई बात उनके संज्ञान में नहीं आई है। अगर कहीं कोई कमी है तो शमशान विकास समिति से वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में नगर परिषद द्वारा बाड़मेर के सार्वजनिक शमशान घाट में कुल 12 कार्मिक लगाए गए थे। इनमें 4 कार्मिक सफाई व्यवस्था और 8 कार्मिक चौकीदारी एवं अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कार्मिकों की संख्या घटकर अब 4 पर पहुंच गई है। इससे सार्वजनिक शमशान घाट की सफाई व्यवस्था इन दिनों बदहाल होती नजर आ रही है। वहीं चौकीदारों की कमी से असामाजिक तत्वों की आवाजाही भी काफी बड़ी है, जिससे शमशान विकास समिति की परेशानियां भी बड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि नगर परिषद आयुक्त ने समस्या के समाधान के साथ शमशान परिसर की एक बार सफाई करवाने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साफ सफाई के अभाव में दूरदर्शा का शिकार हो रहे सार्वजनिक शमशान घाट पर नगर परिषद की निगाहें आखिर कब तक इनायत हो पाती है। यहाँ की स्थिति जो सफाई व्यवस्था धीरे धीरे चरमा जा रही है, क्योंकि यहाँ सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, यहाँ चौकीदारों की संख्या बहुत कम है, जिसे दो चौकीदार लगे हुए हैं वो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी नहीं कर पा रहे, और जो सफाई कर्मी 2 लगे हुए हैं, ये शमशान घाट 5 बीघा जमीन में फैला हुआ है, इसकी सफाई करना 2 कर्मचारियों के बस में नहीं है। इस बाबत हमने आयुक्त साहब को, सभापति महोदय को कई बार निवेदन किया कि जो 2015 से पूर्व यहाँ शमशान की सफाई व्यवस्था और चौकीदार की जो व्यवस्था थी उसको वापस बहाल किया जाए। इस संबंध में ये है कि जो सार्वजनिक शमशान है उसमें परिषद के 4 कर्मचारी वर्तमान में नियमित लगे हुए हैं, और पीछे कुछ कोविड के कारण और अन्य व्यवस्थाओं में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के कारण थोड़ी बहुत वहाँ जो आप फरमा रहे हो कि सफाई की व्यवस्था थोड़ी ख़राब है, उसके लिए अगले सप्ताह में वहाँ पूरी गैंग भेज के और एक बार कंप्लीट सफाई करवा के समिति से वार्ता करके उनकी जिस तरह की आवश्यकताएं उसके अकॉर्डिंग मैन पावर की व्यवस्था की जाएगी। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।